हरियाणा हिमाचल में हो रही बारिश को मानसून की दस्तक माना जा रहा है। कई इलाकों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों पर बारिश के बाद के हालात कुछ अलग ही होते हैं। पहाड़ों में नदी नालों में बारिश के बाद जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, इसके चलते पानी के तेज बहाव से लोगों को काफी नुकसान भी होता है। हिमाचल में नदी नालों के उफान पर होने के चलते लोगों से नदियों के पास ना जाने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है, लेकिन हालात फिर भी कुछ और ही होते हैं। कुल्लू में बारिश के बाद की तस्वीर कुछ ऐसी है, जहां मोहल नदी के पास खड़ी प्रवासी मजदूरों की गाड़ियां पानी के तेज बहाव में आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ियों को तेज बहाव के चलते काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नाले के बीचों बीच ये गाड़ियां फंसी हुई हैं। गाड़ियों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जब यहाँ देखा गाड़ियां तिरती हुई, समझ गए, जब सब लोगों को हमने आवाज मारी, मैं कहा भाई सब गाड़ियां जा रही है, समझ गए, अब कम से कम 25-30 हजार रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को। पानी के तेज बहाव में कई वाहन भी बह गए, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से वाहनों को नाले से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद वाहनों को तेज बहाव के पानी से बाहर निकाला गया। जो मॉल खड्ड है, मॉल खड्ड में ये हमारी दो पंचायतें हैं, बदा और ये मॉल पंचायत के बीच में, और ये रात को ये जो इसका कैचमेंट एरिया है, खासतौर पे पीछे पा नाला और इस क्षेत्र में जो बहुत कल जो है जिस प्रकार से बारिश वहाँ पे हुई है, प्रदेश इस इलाके में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन पीछे से ये काफ़ी सारी सारा पानी इस नाले में बढ़ के बाढ़ के रूप में आया। जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे हमारा प्रशासन ने भी इसका जो है पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं। पहाड़ों पर नदी नालों में पानी का उफान कोई नई बात नहीं है। मॉनसून के सीजन में कभी भी नदी नालों में अचानक पानी बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ऐसे में जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। कुल्लू से सूर्या समाचार के लिए अनिल कांत की रिपोर्ट।